नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जागृत शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बैग लाया हूँ। जैसे कि आप लोगों को देख सकते हो, यहाँ पे OnePlus का लोगो जो है वो बना हुआ है और इस वाले बैग के बैग जो है उसके अंदर आपको OnePlus का बैग एक देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यह है OnePlus का एक्सप्लोरर एडिशन वाला बैग पैक। ये जो है वो एक्सप्लोरर बैग पैक है और आज अपन इस वाले बैग पैक का जो है वो रिव्यू करने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। सबसे पहले मैं इस वाले बैग पैक के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बता दूं। ये वाला बैग पैक जो है वो दो कलर्स में अवेलेबल है, एक ग्रीन कलर में और एक ब्लैक कलर में। मैंने ब्लैक कलर वाला जो बैग है वो इसलिए मंगवाया क्योंकि ब्लैक कलर का बैग जो है वो कॉर्ड ड्यूरा वाले मटेरियल का यूज़ करता है जो कि एक मिलिट्री ग्रेड का फाइबर है। इससे बैग जो है वो और ज़्यादा ड्यूरेबल बनता है और कहीं से भी कटता फटता जो है वो नहीं है। इसके बैग का जो वेट है वो 860 ग्राम्स है और शोल्डर स्ट्रैप्स की बात करूँ तो फिर इसके अंदर इन लोगों ने ड्यूपॉन्ट केवलर फाइबर का यूज़ करा है जो कि पैडिंग वगैरह के अंदर हेल्प करता है, लेकिन ये वाले जो शोल्डर स्ट्रैप्स हैं वो डिटैच जो है वो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बैग के एक्सटर्नल की बात करूँ तो फिर यहाँ पे आपको एक स्ट्रैप देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रैप है और इसको खींचने से ये वाला बैग जो है वो लॉक और अनलॉक होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अब ये वाला बैग जो है ऑब्वियसली अनलॉक हो चुका है और मैं अगर इसको छोड़ूंगा तो फिर ये लॉक हो चुका है, अब मैं चाह के भी नहीं खुलेगा। तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा प्रीमियम शिप जो है यहाँ पे आपको दे रखी है, मैग्नेटिज्म से जुड़ा हुआ है यहाँ से और यहाँ से। और मैं बात करूँ यहाँ की तो फिर यहाँ पे आपको एक चेन जो है वो देखने को मिलती है। इस चेन को अगर मैं खोलूं तो फिर यहाँ से आपका बिग कंपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रैप है जहाँ पे आप छोटा मोटा लैपटॉप या फिर टैबलेट वगैरह आपका रख सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एक और चेन है जो जिसमें कि अपना छोटा मोटा सामान जैसे कि केबल्स वगैरह जो है वो रख सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रख सकते आप मेन कंपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े वगैरह या फिर आपकी जो सी भी चीज़ें होंगी, बुक्स वगैरह जो है वो रख सकते हो। इससे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं आएगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस मेन कंपार्टमेंट के अंदर आप लैपटॉप रखो क्योंकि उसका सेक्शन जो है इस वाले बैग के अंदर अलग से दे रखा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इधर की तरफ तो यहाँ पे भी आपको एक और कंपार्टमेंट जो है वो देखने को मिलता है। इसके अंदर आप अपने सनग्लासेस वगैरह जो है वो रख सकते हो, अपने राइडिंग गियर वगैरह जो है वो रख सकते हो। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, छोटा सा कंपार्टमेंट है, ज़्यादा कुछ बड़ा कंपार्टमेंट जो है वो नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आगे की तरफ तो यहाँ पे आगे की तरफ भी आपको एक कंपार्टमेंट देखने को मिलता है और साथ में ये भी देखने को मिलता है। और अगर मैं इस कंपार्टमेंट की बात करूँ तो ये वाला कंपार्टमेंट भी जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, हालांकि यहाँ पे वाटरप्रूफ का इन लोगों ने टैग दे रखा है। इसका मतलब ये पूरा बैग जो है वो वाटरप्रूफ है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो उसी कॉर्ड ड्यूरा मटेरियल का एक स्टीकर लगा हुआ है, एक लोगो सा लगा हुआ है जो कि वाकई में आपको बार बार अच्छा तरीके से संतावना देता रहता है कि बैग के अंदर कॉर्ड ड्यूरा है। अगर आप पीछे की तरफ बात करूँ तो फिर यहाँ पे आपको दो चेन्स देखने को मिलती हैं। एक आपके इधर की साइड ही है, ये आपकी लैपटॉप चेन है जहाँ पे आप अपना बड़ा सा लैपटॉप रख सकते हो। आराम से 15 इंच का लैपटॉप जो है इस वाली चेन के अंदर आ जाता है। और इधर छोटी सी चेन है, ये एक तरीके से इस वाले बैग की चोर जेब बोल सकते हैं। इसके अंदर आप अपने फ़ोन वगैरह रख सकते हो, हालांकि ज़्यादा लंबी नहीं है, बस मेरा एक हाथ ही आ रहा है इसके अंदर। ये वाली चेन जो है वो यहाँ जाके ख़त्म हो रही है, मतलब इतनी सारी जगह जो है वो फोकट की ही है। और बात करूँ इधर की तरफ तो फिर ये तो वापस से मेन कंपार्टमेंट वाली जेब आ गई है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो इससे ज़्यादा जेबें वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हिपस्टरी लुक ही आपका बैग जो है वो देता है, बहुत ज़्यादा पतला है। और बात करूँ शोल्डर स्ट्रैप्स की तो शोल्डर स्ट्रैप्स जो है वो अच्छे सारे कंफर्टेबल हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई सा OnePlus का लोगो जो है वो देखने को नहीं मिलता है। हालांकि पीछे की तरफ यहाँ पे आके लगेज में टांगने के लिए वो है जाता है कि जिससे कि आप इसको अपने लगेज के हैंडल के अंदर फंसा सकते हो, बैग को यहीं कहीं पर गिरेगा वेरेगा नहीं। आपकी इस वाली साइड में आपको यहाँ पे बॉटल की जो है वो पॉकेट देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी फुल साइज़ की बॉटल जो है वो नहीं आएगी, छोटी सी ही बोतल आएगी। तो ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि आप बड़ी सी 2-3 लीटर की बोतल जो है यहाँ पे रख के घूम सकते हो, हद से हद 250 या फिर 500 ml की बोतल जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो वाकई में इस वाले बैग को जो है मैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, लगभग एक हफ्ता हो गया होगा, और वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार और ड्यूरेबल बैग है। इसके अंदर कोई दोराय वाली बात नहीं है। ये ज़्यादा ट्रिप्स वगैरह के लिए जो है वो नहीं डिज़ाइन करा गया, एक तरीके से आप सोचो कि मैं बाइक वगैरह लंबी ट्रिप पे जाऊँ तो इस वाले बैग को ले जाऊँ, ये इस तरीके का बैग नहीं है। इसमें ज़्यादा स्टोरेज वगैरह जो है वो नहीं है, आप ज़्यादा चीज़ें जो है वो स्टोर नहीं कर सकते। एक तरीके से कॉलेज वगैरह का बैग है या फिर जब भी आप कोचिंग वगैरह के लिए जाते हो या फिर छोटी मोटी आपकी
चोर्स वगैरह करने जाते हो, आपके एरेंट्स करने के लिए जाते हो, तो उसके लिए वाला बैग जो है वो एकदम परफेक्ट है। और वाकई में स्टाइलिंग की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लुकिंग देता है, स्टाइलिंग देता है। और लोग जो हैं जो वन प्लस वगैरह के फैंस होते हैं, जो वन प्लस का फ़ोन कैरी करके घूमते हैं, जब वो ये वाला लोगो देखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये वन प्लस का बैग है, ये कितने का लिया है, मतलब ये कहाँ मिलता है वगैरह वगैरह। तो मतलब लोग तो बिलीव ही नहीं कर पाते कि वन प्लस जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है वो बैग्स भी बनाती है। मैंने वाला बैग जो है बेसिकली मेरी कैमरा स्टोरेज वगैरह के लिए लिया है। पहले जो मेरे पास बैग था वो था गॉड कोर्स का एंटी थर्ड बैकपैक, लेकिन ये जो है थोड़ा सा बॉक्सी टाइप का बैकपैक है, ड्यूरेबल है, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है, बहुत सारे ड्यूरेबल है। और अगर मैं किसी राइड वगैरह या ट्रैवलिंग वगैरह में जाता हूँ तो फिर इस वाले बैग को ही ले जाता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पड़ जाता है रेगुलर डेली यूज़ के लिए। कभी कभार जब मैं कॉलेज वगैरह रेगुलर पर्पज से जाता हूँ तो आपको गाड़ी वगैरह में बैठना पड़ता है, तो उसके लिए बॉक्स जैसा लेसर लेके बैठना थोड़ा सा अजीब और ऑकवर्ड सा लगता है। उसके अंदर ये वाला बैग जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सही है, लुकिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सस्ते का सस्ता है, क्योंकि सस्ता वाला बैग ऑब्वियसली नहीं है, लगभग 4,000-5,000 का ये वाला बैग आता है, बट फिर भी जो लुकिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी देता है और आपके काम जो है ये वाला बैग ज़रूर आएगा। मैंने लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड दिस इज मिस्टर ग्रेट साइनिंग ऑफ, भाइयों जय हिंद।